राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक सभी संभाग मुख्यालयों पर कांग्रेस जनों द्वारा उपवास रखा गया। उपवास के माध्यम से बीजेपी सरकार से हिंसा पर लगाम लगाने और आपसी सद्भाव, भाईचारे, सामाजिक समरसता एवं शांति को कायम करने की मांग की जा रही थी। जयपुर में शहीद स्मारक पर आयोजित जयपुर संभाग के उपवास कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी सचिव विवेक बंसल सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। पूरी पार्टी की एक मांग है कि जो हिंसा हुई है पिछले दिनों में वो दोबारा रिपीट ना हो। समाज में टकराव की स्थिति जो पैदा हुई है उसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनकी नींद खुलनी चाहिए और नकारात्मक राजनीति को हमें समाप्त करना पड़ेगा। कांग्रेस ने हमेशा अहिंसा में विश्वास रखा है, महात्मा गांधी जी के रास्ते को हम चल रहे हैं और आज देश को संदेश देने के लिए बैठे हैं कि किसी जाति, किसी वर्ग, किसी समुदाय, किसी धर्म का कोई व्यक्ति हो भारत का नागरिक है, अपनी मांग रखने का सबको अधिकार है, लेकिन संविधान के दायरे में हम अपनी बात रख सकते हैं। हिंसा को जो अंजाम देता है उसके हम सख्त खिलाफ हैं, चाहे कोई व्यक्ति भी हो, लेकिन भाजपा की जो सरकारें हैं राज्य की और केंद्र की, उन्होंने कहीं ना कहीं जानबूझ के इस प्रकार की हिंसक भावनाओं को भड़काने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती, वो किया नहीं गया और देखते देखते हालात ऐसे हुए हैं, कई निर्दोष लोगों की जाने गई हैं, गोलियां चली हैं, लाठियां चली हैं, केसे दर्ज हुए हैं, इसलिए इस प्रकार का घटनाक्रम दोबारा ना यहाँ पर पनपे, इसके लिए हम यहाँ पर बैठ के अपील कर रहे हैं। राहुल जी पूरे देश के लिए अपील कर रहे हैं, हम प्रदेश के लिए अपील कर रहे हैं।